नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पराम रुद्रा सुपर कंप्यूटर और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर एक प्रेरणादायक भाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के महत्व पर जोर दिया। उनके भाषण का मुख्य फोकस देश की डिजिटल क्षमता को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में इन नई तक। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पाराम रुद्रा सुपर कंप्यूटर और HPC प्रणाली भारत की तकनीकी सक्षमता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि यह नई प्रणाली न केवल विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को और मजबूत बनाएगी, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को भी तेज करेगी। सुपर कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होगा, जैसे कि स्वास्थ्य, कृषि, मौसम पूर्वानुमान और औद्योगिक विकास। इसके माध्यम से भारत नई ऊंचाइयों को छू सकेगा और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सराहना की और कहा कि यह देश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि सुपर कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति वैश्विक स्तर पर बढ़ती जा रही है और यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ए के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भविष्य में डेटा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होगा और इस दिशा में HPC प्रणाली हमारी वैज्ञानिक शोध क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके माध्यम से देश की उत्पादन क्षमता, रिसर्च और इनोवेशन को नई गति मिलेगी। मोदी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो विज्ञान, अनुसंधान और विकास को एक नई दिशा देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समन्वय भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुपर कंप्यूटर की यह नई क्षमता भारत को सटीक जानकारी और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी, जिससे स्वास्थ्य, कृषि, मौसम विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। अंत में प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह उपलब्धि टीम वर्क, परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक मंच पर नेतृत्व करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस प्रकार पराम रुद्रा सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ भारत की प्रगति का एक नया अध्याय है, जो न केवल विज्ञान और तकनीक में बल्कि देश की समग्र प्रगति में भी योगदान देगा। साइंस की फील्ड में नए डोमेन्स को खोलेंगे। एक बार फिर आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।